नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कतर से रिलेटेड। जी हाँ, कतर से इंडिया के लिए फ्लाइट शेड्यूल बहुत सारी दी गई हैं और बहुत सारी क्या 150 से प्लस फ्लाइटों का शेड्यूल है वंदे भारत मिशन 4 के तहत में। तो पूरी डिटेल से हम बात बताएंगे, कम से कम 15 से 20 फ्लाइटों का शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और फेसबुक पेज वाले भी पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कतर से इंडिया के लिए फ्लाइट शेड्यूल। तो आप स्क्रीन पे देखते रहिए, डायरेक्टली आपको सब कुछ दिख जाएगा इसमें। 20 जुलाई को साथियों फर्स्ट में बात कर लेते हैं भाई, कतर से दोहा कतर से फ्लाइट है त्रिवेंद्रम। जी हाँ, केरला के लिए इंडिगो का फ्लाइट रहेगा ये 20 जुलाई को। फिर एक फ्लाइट है साथियों चेन्नई के लिए है दोहा कतर से। फिर कोची का एक फ्लाइट है 21 जुलाई को, इंडिगो का है, 168 यात्री शामिल होंगे। फिर आगे बात कर लेते हैं भाई, यूपी की सबसे इंपॉर्टेंट फ्लाइट है, डेट इसमें बता दें 21 जुलाई का फ्लाइट आप देख सकते हैं, 13:15 में 177 यात्री शामिल होंगे, इंडिगो का फ्लाइट इसमें रहेगा। तो अच्छी न्यूज ये है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई, 21 जून को फिर एक फ्लाइट है, आप देख सकते हैं कोचिकोड़े का फ्लाइट का शेड्यूल दिया गया, 168 यात्री इंडिगो का इसमें फ्लाइट रहेगा। आगे फिर एक फ्लाइट है साथियों दोहा से चेन्नई के लिए है, फिर एक हैदराबाद के लिए है। जी हाँ, हैदराबाद के लिए है, इंडिगो का फ्लाइट है, 177 यात्री शामिल होंगे। 21 जुलाई को फिर एक कन्नूर के लिए फ्लाइट है दोहा कतर से। फिर एक आगे बात कर लेते हैं भाई, कतर दोहा से बॉम्बे के लिए फ्लाइट आप देख सकते हैं, बॉम्बे के लिए फ्लाइट आप देख सकते हैं 22 जुलाई को रहेगा, 177 यात्री इसमें शामिल होंगे, इंडिगो का इसमें फ्लाइट दिया गया है। आगे बात करें भाई, त्रिवेंद्रम का फ्लाइट है दोहा कतर से। फिर चेन्नई का फ्लाइट है, लखनऊ के लिए भी एक फ्लाइट है भाई, 23 जुलाई को फ्लाइट है लखनऊ से पहुंचेगी। मैं बता दूं आपको उत्तर प्रदेश, 4:40 का फ्लाइट शेड्यूल है, 177 यात्री शामिल होंगे, इंडिगो का इसमें फ्लाइट रहेगा। जी हाँ साथियों, आगे फिर बात कर लेते हैं भाई, 22 जुलाई को दोहा कतर से कोचिकोड़े के लिए फ्लाइट है, एक कोची के लिए फ्लाइट है। फिर 23 जुलाई को चेन्नई के लिए फ्लाइट है, हैदराबाद के लिए फ्लाइट है 23 जुलाई को। आगे हम फिर बात कर लेते हैं भाई, 23 जुलाई को हैदराबाद कन्नूर लखनऊ के लिए फिर एक फ्लाइट दे रखा है भाई 24 जुलाई को। जी हाँ, दोहा कतर से 24 जुलाई को फ्लाइट है साथियों इंडिगो का, 4:40 का इसका फ्लाइट शेड्यूल रहेगा। अच्छी न्यूज ये है, जो 24 जुलाई को पहुंचेगा, इंडिगो की फ्लाइट है, 13:15 का इसका शेड्यूल का टाइम दिया गया, इंडिगो का फ्लाइट है, यूपी के लिए फ्लाइट है भाई। आगे बात कर लेते हैं, कतर दोहा से चेन्नई के लिए फ्लाइट है 24 जुलाई का। फिर हैदराबाद के लिए फ्लाइट है कतर से। फिर अहमदाबाद गुजरात के लिए आप फ्लाइट देख सकते हैं 24 तारीख को 19:05 का, 149 यात्री शामिल होंगे। फ्लाइट नाम इसमें नहीं दिया गया, बेंगलुरु का फ्लाइट इसमें दिया गया दोहा कतर से। फिर कोची से फ्लाइट है कुछ है, फिर बॉम्बे से, बॉम्बे के लिए एक फ्लाइट है दोहा कतर से, आप देख सकते हैं 25 जुलाई को 4:05 पे 177 यात्री शामिल होंगे। आगे बात करें भाई, दोहा कतर से बेंगलुरु के लिए एक फ्लाइट है, कोची के लिए भी फ्लाइट है बता दूं 24 जुलाई को, फिर बॉम्बे के लिए फिर एक फ्लाइट है 24 जुलाई को, 25 जुलाई पहुंचेगी, 177 यात्री पहुंचेंगे 25 जुलाई को। फिर एक बॉम्बे के लिए फ्लाइट दे रखा है साथियों, दो फ्लाइटें हैं 24 और 25 जुलाई को लगातार बॉम्बे के लिए दोहा कतर से। त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट है, चेन्नई के लिए फ्लाइट है, फिर हैदराबाद के लिए फ्लाइट है 25 जुलाई की, 25 जुलाई को फिर एक बॉम्बे के लिए फ्लाइट दे रखा है साथियों, 19:05 पे फ्लाइट पहुंचेगी, 149 यात्री शामिल होंगे आप देख सकते हैं। तो साथियों बस इतनी फ्लाइटों का शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।